चोर जेल में जा रहे हैं, खुशी मनाओ। एक के साथ एक दारू फ्री बंद हो गई। केजरीवाल जैसे भ्रष्ट जो लोग थे उनका चेहरा बेनकाब हो रहा है। UPSC भी क्वालिफाई किए हुए हैं केजरीवाल, IIT भी किए हुए हैं, मतलब कि वेल एडुकेटेड है, लेकिन कर क्या दिया, मूर्खता वाला काम कर दिया। दिल्ली का जनता उनको फ्री की डिलीवरी के चलते वोट दे रहा है। और ये अगर प्रधानमंत्री बनेगा तो तिहाड़ जेल का भी बन सकता है, क्योंकि सारी कैबिनेट की बैठक वहीं होने वाली है और केजरीवाल भी जेल जाने वाले हैं। जबकि मोदी एक ऐसा व्यक्ति है जो कहता है वो करता है। उसने कहा है हर एजेंसी स्वतंत्र है, आर्मी को भी उन्होंने स्वतंत्र कर दिया जो कांग्रेस के टाइम में स्वतंत्र नहीं थी। सबसे पहले ये बताइए कि अभी जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया, आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि प्रधानमंत्री के दावेदार हैं केजरीवाल, कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, एक राघव चड्ढा कोई है, वो कल उनका कल परसों स्टेटमेंट सुने हैं कि मनीष सिसोदिया के जाने पे, जेल जाने पे शर्म नहीं करो, गर्व करो, जैसे लग रहा है वो भगत सिंह है, ठीक है? तो हम उनको बता देना चाहते हैं, जितने भी दारूबाज मंत्री है, जितने भी मुगल के पैदाइशी है, इन लोग का कोई भी फर्क ये सब नहीं रहा गया। और अभी वो कह रहे हैं कि संजय सिंह भी बोले हैं कल उनका देखे, वो भी बोल रहे हैं कि आप हमको 2 घंटा के लिए हमको आप CBI और ID दीजिए, अमित शाह मोदी को दोनों को जेल में कर देंगे। तो देखिए, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि सरकार के अंदर में CBI काम कर रहा है, इसका मतलब लोकतंत्र को आप खतरा में कर रहे हैं। तो मेरा क्लियर यही कहना है कि वो लोग कुछ भी कर ले, जितना ये लोग यहाँ दारूबाज बनाए हैं, जहाँ तहाँ दारू पी पी के यहाँ सोया रहता है, उनका कहीं ना कहीं पाप जो है, पाप का उनको फल मिला है, ठीक है? और मनीष सिसोदिया जो गए हैं जेल, उसके लिए हमको गर्व हो रहा है मोदी जी पे कि ऐसे दारूबाज मंत्री को, चाहे वो शिक्षा मंत्री का ही नहीं हो, चाहे वित्त मंत्री कोई नहीं, कोई नहीं हो, लेकिन पढ़ा लिखा भी कोई काय नहीं हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल को भी बस अब कुछ दिन का और मौका दीजिए, वो भी जेल जाने वाला है। लेकिन आरोप ये लग रहे हैं कि जिस तरीके से विकास आम आदमी पार्टी कर रही है, जिस तरीके से स्कूलों में बदलाव हुआ है, उससे अब एक तरीके से जलन हो रही, राजनीतिक जलन हो रही, इसलिए जो है उनके मंत्रियों को अंदर डाला जा रहा है। शायद सत्येंद्र जैन की बात हो, मनीष सिसोदिया गए हैं, इस पर क्या कहना है? राजनीति में जलन वर्ड नहीं है, अपना सब राजनीति करते हैं, लेकिन आपको बताते हैं बिहार से बिलोंग करते हैं, लेकिन आपको दिल्ली का बताते हैं। मोहल्ला क्लिनिक का बात आता है, मोहल्ला क्लिनिक जितना आधा ज़्यादा बंद रहता है। कमरा कैमरा का बात करता है कि 600 कैमरा और इतना सारा कमरा दिए स्कूल में, वो भी बंद रहता है। नो डाउट, एक मान लीजिए तिरंगा वहाँ लगाते हैं, वो अच्छा काम है, मतलब कि हर जगह लगाए, उस चीज़ को रिस्पेक्ट करता है, लेकिन आप तिरंगा लगा के आप यहाँ के आदमी को आप जहरीला शराब दे दे के आप मार रहे हैं, तो आप में और नीतीश कुमार में फर्क ही क्या रह गया? मतलब ये लोग ये साबित कर दिए है कि देश को संभालने के लिए पढ़ा लिखा नेता का जरूरत नहीं है। अगर एक चाय वाला भी अगर राष्ट्रवाद है, अगर उसमें रियल इंसानियत है, तो वो भी देश संभाल सकता है। ये लोग मतलब UPSC भी क्वालिफाई किए हुए हैं केजरीवाल, IIT भी किए हुए हैं, मतलब कि वेल एडुकेटेड है, लेकिन कर क्या दिया, मूर्खता वाला काम कर दिया। दिल्ली का जनता उनको फ्री की डिलीवरी के चलते वोट दे रहा है। हम एक ही चीज बताना चाहते हैं, जिस राज्य में अगर आप आम आदमी पार्टी को जिताते हैं, उस राज्य से आप हाथ धो लीजिए। पंजाब का एग्जाम्पल देख सकते हैं, पुलिस को दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा है, तो यही उन लोग का स्कीम है। आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि दिल्ली के जो तमाम मुद्दे हो रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को इसलिए फंसाया जा रहा है, आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि भाई वो प्रधानमंत्री मटेरियल हो रहा है, इसलिए बीजेपी को अब डर लगने लगा है कि कहीं प्रधानमंत्री के रूप में सामने जनता उनको चुन न ले, आपको क्या लगता है? सर, जिसके पास एक भी लोकसभा का सांसद ही नहीं है, वो कैसे प्रधानमंत्री बनेगा? केजरीवाल तो साजिश कर रहा है, पंजाब का प्रधानमंत्री बनना चाहता है वो, खालिस्तानियों का प्रधानमंत्री बनना चाहता है वो। देखो ना, वहाँ कैसे दंगे करवा दिए उन्होंने, और वो पूरा पंजाब का एक पुलिस स्टेशन अरेस्ट करवा दिया, गुरु ग्रंथ साहिब की बेद भी हो गई वहाँ। अमृतपाल सिंह जो एक आया है बंदा दुबई से, ट्रक ड्राइवर, वो वहाँ पे आके आतंक मचा रहा है, सिखों को भड़का रहा है, हिंदुओं के खिलाफ और देश के खिलाफ, वहाँ दंगे करवा देगा वो। केजरीवाल तो अलगाववादी है, इसे शुरू से ही कहा जाता था। ये वो व्यक्ति है जो 26 जनवरी के दिन जो यहाँ पे रिपब्लिक की परेड होती है, उसी दिन धरने पे बैठ गया था पहली बार जब मुख्यमंत्री बना। और ये अगर प्रधानमंत्री बनेगा तो तिहाड़ जेल का भी बन सकता है, क्योंकि सारी कैबिनेट की बैठक वहीं होने वाली है और केजरीवाल भी जेल जाने वाले हैं। आपको लगता है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के तमाम मंत्री जेल में जा रहे हैं, आपको लगता है कि ED और CBI का इस्तेमाल गलत हो रहा है, जो BJP पे आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लग रहा है? देखिए, CBI और ED आज की संस्थाएं नहीं है, ये पुरानी है। नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री थे, तत्कालीन मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उनके ऊपर भी FIR दर्ज हुई थी गोधरा की, उन पर अब उन्हें बरी किया गया कोर्ट द्वारा। जाँच तो उनकी भी चल रही थी, यहाँ पे गुजरात से दिल्ली आते थे, पेश होते थे बकायदा, पर वो निर्दोष साबित हुए। ऐसे ही अभी अनिल देशमुख जेल में है, महाराष्ट्र का तत्कालीन गृह मंत्री जो उद्धव ठाकरे सरकार MBA गवर्नमेंट के समय था, वैसे ही पार्थ चटर्जी जेल में है। अब वहाँ क्या मोदी 20 करोड़ रुपए कैश पकड़ा जा रहा है, वहाँ मोदी ने क्या इस्तेमाल कर लिया भाई, पैसा भी तो पकड़ा जा रहा है। 144 करोड़ का घोटाला है, आरोप लगाने वाला कौन है? दिल्ली का चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार और एक IAS अधिकारी
जिसने कहा है हमें कमीशन मिली 12%, जिसमें से 6% हमने ली, 6% केजरीवाल और सिसोदिया को दी। और ये लोग फ्रॉड हैं, फर्जी हैं, ये भ्रष्टाचार मिटाने आए थे, लेकिन सबसे बड़े भ्रष्ट निकले। इनके भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सबूत पता है क्या है सर? जिस दिन दिल्ली के उपराज्यपाल सक्सेना साहब ने जांच के आदेश दिए कि इसकी CBI जांच होनी चाहिए, जो नई लिकर पॉलिसी आई है इसकी, तब इन्होंने पता है क्या किया? जो इनकी शराब नीति थी वो वापस ले ली। सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। आपसे सवाल ये रहेगा कि क्योंकि आम आदमी पार्टी कल भी विरोध प्रदर्शन काफ़ी ज़्यादा बीजेपी के खिलाफ कर रही थी, उनका कहना है कि देश में अब डर का माहौल बनाया जा रहा है, आम आदमी पार्टी जो है जिस तरीके से बढ़ रही है उसको जो है कहीं ना कहीं अब ख़त्म करने की साजिश हो रही है। डर का नहीं, प्यार का माहौल है। चोर जेल में जा रहे हैं, खुशी मनाओ। एक के साथ एक दारू फ्री बंद हो गई। केजरीवाल जैसे भ्रष्ट जो लोग थे उनका चेहरा बेनकाब हो रहा है। सोनिया गांधी के नेशनल हेराल्ड पे ताले लग रहे हैं और देश तरक्की की ओर जा रहा है। अब ये अगर मोदी सरकार की आप बात कर रहे हैं, कल ही जो है मनीष सिसोदिया को जो है 4 दिन की रिमांड बढ़ा दी गई है, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी है ED और CBI के जरिए जो है कहीं ना कहीं विपक्ष को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है, जो उभर रही है सबसे ज़्यादा पार्टी, अभी पंजाब में उसकी सरकार है, दिल्ली में है ही, तो आपको क्या लगता है? आपने ये तो बता दिया वहाँ सरकार है और जहाँ जमाने थे जब तू ही है, वहाँ के बारे में तो आपने एक भी नहीं बोला। पंजाब उसका जमानते कहाँ कहाँ हुई है उसकी, जब आपको पता ही है कि आपका गुजरात में जमाना चाहिए, हिमाचल में जमाना, उत्तराखंड में जमाना चाहिए, जहाँ या गोवा में गया, ये भी तो बताना चाहिए ना लोगों को। अब जिन लोगों को नहीं मालूम वो कैसे बताएंगे? बस एक कह देना, जो केंद्र में सरकार है वो ये चीज़ इस्तेमाल कर रही है, जबकि मोदी एक ऐसा व्यक्ति है जो कहता है वो करता है। उसने कहा हर एजेंसी स्वतंत्र है, आर्मी को भी उन्होंने स्वतंत्र कर दिया जो कांग्रेस के टाइम में स्वतंत्र नहीं थी, उनमें पत्थर मारे जाते हैं, कुछ नहीं कहते, बेचारे पत्थर जलते, बेइज्जती जलते, कोई आर्मी पर हाथ लगा सकता है? तुरंत अब कर दिया ना, गोली मारो सीधा, जो भी करेगा ऐसे काम आर्मी में वाले फौरन गोली मारे। कहाँ गए पत्थरबाज, कहाँ गए? आजकल सफाया हो रहा है उनका। पर मैं कहना का चाहता हूँ, विपक्ष के जितने भी हैं, कांग्रेस से लेके आम आदमी से लेके जितने भी पंजाब कोई भी आपको विपक्षी दल हैं, वो कभी भी सरकार के काम की सराहना नहीं करेंगे, बढ़ाई नहीं करेंगे। और ये जो आप जेल जा रहे हैं ना, लेफ्ट और राइट हैंड, तो भैया अब इनको पता चल रहा है, केजरीवाल तो साफ बचने की कोशिश कर रहा है कि उसके पास तो कोई कहेगा मेरे पास कोई जिम्मेवारी नहीं थी, इन्हीं पर थी। 32 सीटें हैं, 32 पद जो महत्वपूर्ण थे वो संभालता था कौन? सिसोदिया, सारे वो देखता था। तो भाई तू मुख्यमंत्री क्यों बना रहा है? इस्तीफा दे के उसी को मुख्यमंत्री बना देता, पर हाथ तो होगा ना कमीशन का इसमें। तो मैं कहना चाहता हूँ और बहुत संक्षिप्त में कहना चाहता हूँ, देर है, अंधेर नहीं है मोदी के टाइम पे।